और बुलेटिन के आखिर में बात करते हैं राजस्थान के बारां की, जहां पर कूनी नदी पर लाखों रुपए की लागत से एनिकेट निर्माण करवाया जा रहा है, जिसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर सरकार और विभाग को जमकर चूना लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि पहले भी यहां पर एनिकट का निर्माण कार्य किया गया था, जो पानी के बहाव में बह गया। इससे घटिया निर्माण कार्य की पोल खुलती हुई साफ नजर आ रही है। एनिकट निर्माण कार्य में खाली पत्थरों का बीच में भरा जा रहा है जिसमें सीमेंट गिट्टी रेत का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। आपको बता दें कि संबंधित विभाग को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन उसके बाद भी विभाग के किसी भी अधिकारी ने निर्माण कार्य में इस्तेमाल हो रही निर्माण सामग्री की गुणवत्ता को नहीं जांचा। बारां से लेखपाल शर्मा की रिपोर्ट। पे हो यहाँ पे तो ये देख रहे आपकी निगरानी में काम हो रहा है, कितने लाख रुपए की लागत से एनिकट का निर्माण कार्य चल रहा है, जानकारी है क्या? कौन सी कंपनी कार करा रही है? हाँ इसका? हाँ इसका तो पता है, ठेकेदार। कंपनी का नाम पता है क्या? ठेकेदार कौन है? बागली गांव का कूनो नदी के पास जो एनिकट का निर्माण कार्य चल रहा है, उसमें घटिया निर्माण सामग्री का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है, इसकी जानकारी है? नहीं नहीं, मुंगावली में जो एनिकट का निर्माण चल रहा है उसमें किसी भी तरह की घटिया सामग्री का कोई उपयोग नहीं हो रहा। मैं खुद जाके आया हूँ, कल भी गया था, आज भी जाके आया हूँ। सैंड अच्छा टेस्टेड सैंड यूज हो रहा है, गिट्टी ग्रेट है और एक प्लम कंक्रीट है उसमें, जिसमें की लागत से निर्माण कार्य चल रहा है सर। 3,59,00,000 का है। आपने इसका निरीक्षण किया सर? हाँ। क्या स्थिति है वहाँ? काम चल रहा है अच्छा, संतोषजनक चल रहा है। तो सर कुछ लोगों का तो कहना है उसमें घटिया किस्म की रेत मिक्स करके काम किया जा रहा है, पत्थर भी डाले जा रहे हैं उसमें। पत्थर तो प्लम कंक्रीट है, तो प्लम कंक्रीट में क्या है कि स्टोन का प्रोविजन है, उसमें डलता है वो स्टोन। तो